हेलो एवरीवन, लेयर थ्री एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से लिए हुए हैं, और ये जो कंसेप्ट है ये आपके टेंस में आता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, तो ये इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को लिया है। तो पहले हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। ये जो क्वेश्चन है सारे ये रिलेटेड है रियल कंडीशन से। रियल कंडीशन से मीनिंग होता है कि जब हम फ्यूचर की दो इवेंट को एक साथ लेते हैं इंग्लिश में, तो इसमें जो फर्स्ट इवेंट होती है उससे हमको लिखना होता है प्रेजेंट सिंपल में, और जो सेकेंड इवेंट होती है उससे हमको लिखना होता है फ्यूचर सिंपल में। अब अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ कीवर्ड मिलेंगे, जिसमें पहला कीवर्ड है इफ़, दूसरा अनलेस, अनटिल और एज सून एज। मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप को यहाँ से पता चल जाएगा कि कीवर्ड क्या रहा है। अगर कीवर्ड आपके पास इफ़, अनलेस, अनटिल, एज सून एज आता है, और उसमें अगर ब्लैंक वाला क्वेश्चन होता है और एक तरफ अगर प्रेजेंट सिंपल दिया है तो आप फ्यूचर सिंपल लगा सकते हैं दूसरी तरफ, और अगर दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल दिया है तो इधर जो है आप प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड होता है फ्यूचर की दो इवेंट से। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल है उसका फॉर्मूला है, आपको मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें इसको मैंने कवर किया है प्रेजेंट सिंपल को। मैं एक बार बता देता हूँ कि इसका जो फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको एस एस लगाना पड़ता है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। और जो फ्यूचर सिंपल है उसका फॉर्मूला होता है विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ही ब्लैंक मी आई विल अटेंड द पार्टी। दैट मीन्स कि अगर वो मुझे इनवाइट करेगा तो मैं पार्टी में जाऊंगा। तो यहाँ पे पहले इवेंट है इनवाइट करना, तो इसलिए मैं पहले इवेंट को लिखूँगा प्रेजेंट सिंपल में। तो फर्स्ट वाले का जो ऑप्शन होगा वो होगा इनवाइट्स, और यहाँ पर इनवाइट्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी। जनरली इसमें गलती ये होती है कि जब आप हिंदी करते हैं तो अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं पार्टी में जाऊँगा, तो यहाँ पे हम विल शैल का जनरली यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट जो फर्स्ट इवेंट में। बट मैं आपको बता दूँ कि जब दो फ्यूचर की इवेंट होती है तो पहले इवेंट को प्रेजेंट सिंपल में लेना रहता है, जो दूसरी इवेंट होती है उसको फ्यूचर सिंपल में लिखते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनलेस आई ब्लैंक हिज टिकट आई विल नॉट लेट हीम सीट हीयर। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी दो इवेंट है। पहली, जब तक यदि मैं उसकी टिकट नहीं देख लेता हूँ तो मैं उसको यहाँ बैठने नहीं दूंगा। तो पहले इवेंट है टिकट का देखना, तो पहले इवेंट में यहाँ पे आ जाएगा सी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इफ़ अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सीट हियर। यहाँ पे आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशनल वर्ड है जैसे इफ़, अनलेस, और इसमें अगर एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरी तरफ आप प्रेजेंट लगा सकते हैं, एक तरफ प्रेजेंट है दूसरी तरफ फ्यूचर लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एज सून एज शी विल फिनिश हिज होमवर्क, सॉरी शी विल फिनिश हर होमवर्क शी विल गो आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर भी दो इवेंट हो रही है कि जैसे ही वो उसका होमवर्क फिनिश करेगी वो क्रिकेट खेलने के लिए जाएगी। तो पहले जो इवेंट है वो है होमवर्क को फिनिश करना, तो यहाँ पे हमको पहले वाले पार्ट में एरर बताना होगा, विल फिनिश के प्लेस पे हम यूज़ करेंगे फिनिशेस, और फिनिशेस इसलिए क्योंकि आपका जो शी है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आके आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि ये जो आपके कंडीशनल वर्ड हैं इफ़, अनलेस, अनटिल, इनके बाद में हम विल का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनके बाद में फर्स्ट इवेंट आती है और फर्स्ट इवेंट को लिखा जाता है प्रेजेंट सिंपल में। चलिए तो यहाँ पे एज सून एज के बाद में जो विल फिनिश है उसको हटा के करेंगे हम फिनिशेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इफ़ यू विल कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस। अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा। तो इसमें जो पहले इवेंट है वो है कॉल करने की, तो उसको हमको लिखना होगा प्रेजेंट सिंपल में। तो इसमें जो एरर आएगा वो आएगा फर्स्ट वाले में कि इफ़ के बाद विल कॉल के प्लेस में हमको यूज़ करना पड़ेगा कॉल मी, और यहाँ पर भी आपकी शॉर्ट ट्रिक लग सकती है कि इफ़ के बाद में हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो विल आ रहे हैं तो आप जो कंडीशनल वर्ड है उनके बाद जो विल शैल है उसको अपने को हटाना रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द पेशेंट विल नॉट गेट वेल अनलेस ही विल फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी आप देखिए दो इवेंट हो रही है, और पहली इवेंट है अनलेस ही विल फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, जब तक
यदि वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो पहले इवेंट है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में। तो हम लिखेंगे अनलेस ही फॉलोज द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे जो एरर होगा वो सेकेंड पार्ट में होगा। और ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि अनलेस के बाद में हमको विल को हटाना रहेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी ये व्यापम के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और वैसे इससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि अनलेस, अनटिल, इफ, एज सून एज के बाद में जो विल आता है या शैल आता है उसको हमको